तर काँग्रेसने मुस्लिमांना 4% आरक्षण देऊन एससी एसटी आणि ओबीसी आरक्षण लुटण्याचा प्रयत्न केलेला आहे असा आरोप केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी तेलंगणातल्या सभेत केला. भाजपला 10 पेक्षा जास्त जागा जिंकून द्या, आम्ही मुस्लिम आरक्षण संपवून एससी एसटी आणि ओबीसींचं आरक्षण वाढवू असं आश्वासन देखील शहांनी दिलंय. तेलंगणा मे काँग्रेस पार्टीने 4% मुस्लिम आरक्षण देकर एसटी एससी और ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालने का काम किया है. भाइयों बहनों, मैं आज कहकर जाता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी के 10 से ज्यादा सीट जिताइए. भोंगीर में हमारे बूढ़ा नरसैया जी को जिताइए. हम ये मुस्लिम आरक्षण को समाप्त कर एससी एसटी और ओबीसी का आरक्षण बढ़ाएंगे. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.